मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिन भर की रोटी डेली डिवोशन कार्यक्रम में। और रोज सुबह हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते मेरे प्रिय, और परमेश्वर से उस दिन के लिए अपने वायदे का वचन लेते हैं, और उस दिन भर की रोटी को खाकर हम दिन भर आत्मिक उत्साह से भर कर अपने जैवंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बिताते हैं। हालेलुया। तो एक बार फिर से हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, और आज 25 मई 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है भजन संहिता 30 और उसके 5 पद के अंदर। भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 5 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर वचन हमको बताता है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। हालेलुया। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के क्रोध का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। जब हम इतना कह रहे हैं ना कि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, उसके क्षण भर के क्रोध का भी कोई सामना नहीं कर सकता है। और प्रभु के आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन के बराबर होता है। वचन बताता है मैं इस बात को, और उसका क्षण भर कितना होता होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु सदा क्रोध करता नहीं रहता है। और हम इस बात को जानते हैं कि वो विलंब से कोप करने वाला अति करुणा मैं दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दया का सागर और क्षमा की खान है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर जो है वो पापी से नफरत नहीं करता है, वो पाप से नफरत करता है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है, जब क्रूस पर परमेश्वर ने सारे जगत के पापों को अपने इकलौते पुत्र और हमारे नजात दहिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे पापों को डाल दिया, उस समय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से इस बात को कहा, हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उस अलगाव को, उस सेपरेशन को उस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर उसको महसूस किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारी मानव जाति के पापों को, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने इकलौते बेटे के ऊपर डाल दिए। हालेलुया। ओ ग्लोरी, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्षण भर का उसका वो क्रोध था, जिस समय वो उन पापों के प्रति, हालेलुया, उन पापों के कारण, हालेलुया, उसने अपने इकलौते बेटे को वहां पर छोड़ दिया। और वचन हमें इस बात को बताता है कि उसका क्रोध जो है वो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। लेकिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और अब वो जिंदा आसमान पर उठाया गया, और अब कहां है, अब वो पिता के साथ है। हालेलुया। वो पिता जिसको वो कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, अब वो उसी पिता के दाहिने हाथ पर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओ हालेलुया। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। एक दिन हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत आनंद में जा रहे हैं। हालेलुया। उस अनंत आनंद में हम जा रहे हैं। हालेलुया। हम एक गीत को जब गाते हैं, जो एक पुराना गीत है जो हम पिछले दिनों में गा रहे थे, कि पापों की निंद्रा से जागो मसीहो, अब तो करीब आई शाम कि हम तो जोगी मसीह के। हालेलुया। पापों की निंद्रा से हमें जागने की जरूरत है, हम सबको जागने की जरूरत है। अब तो करीब आई शाम, वो शाम आ गई है
जब बारात आ रही है, दुल्हा आ रहा है, हालेलुया, और हमें मूर्ख कुवारियों के समान नहीं बनना, हमें बुद्धिमान कुवारियों के समान बनना है और अपनी मशालों को जलते हुए रखना है और अपनी कुप्पियों को तेल से भर कर रखना है, हालेलुया, ताकि जब वो दुल्हा आए तो हमें अपने साथ लेकर जाए, हमें तैयार पाए, हमें जागता हुआ वो पाए, हालेलुया। सुबह होने वाली है और हम उस सदा के आनंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक जगह प्रभु का दास लिखता है कि अब ये जो तुम्हारे सामने कलेश हो रहा है, सताव हो रहा है, ये तो उस आनंद के सामने, जो वो महान आनंद के तुम सहभागी होने जा रहे हो, उस आनंद के सामने ये कुछ भी नहीं है। तुम इसके बारे में मत बात करो, हालेलुया। डोंट मैग्निफाई कोरोना, मैग्निफाई जीसस, हालेलुया। आप किसी और टॉपिक के बारे में बात मत करो, आप किसी और चीज के बारे में बात मत करो। बीमारी के बारे में बात करने से बीमारी नहीं जाती है, बीमारी को डांटने से बीमारी जाती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बीमारी के बारे में बात करने से बीमारी नहीं जाती है, बीमारी को डांटने से बीमारी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं वचन के अनुसार, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 23 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुन्द्र में जा गिर, तो वो तुम्हारी मान लेगा। वहां ये नहीं लिखा कि जो कोई जाकर इस पहाड़ के बारे में बात करने लगे, अरे भैया देखो पहाड़ कितना बड़ा है, ओहो पहाड़ तो यहां से वहां तक फैला हुआ है, ओहो इस पहाड़ के ऊपर तो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ओहो इस पहाड़ के ऊपर तो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ओहो ये पहाड़ की घुम्मट तो देखो आसमान से टकरा रही है, ये पहाड़ तो बड़ा ऊंचा है, ये पहाड़ तो बड़ा विशाल है। ऐसे पहाड़ के बारे में बातें करने से पहाड़ नहीं उखड़ेगा, पहाड़ नहीं जाएगा, पहाड़ कैसे हटेगा, हालेलुया। पहाड़ के बारे में बात करने से पहाड़ नहीं हटेगा। पहाड़ से कहो, जो कोई इस पहाड़ से कहे, स्पीक टू द माउंटेन, रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस एंड इट विल बी डन फॉर यू, हालेलुया। जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर, तो वो तुम्हारी सुन लेगा। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु महान है, हालेलुया, प्रभु महान है, उसका वचन महान है। आज हमें जागने की जरूरत है, आज हमें जागरूक बनने की जरूरत है, हालेलुया। हम जो हैं उस सदा के आनंद में जा रहे हैं, हालेलुया। हमें जो बात करने की आज जरूरत है, हमें उस सदा के आनंद के बारे में बात करने की जरूरत है कि स्वर्ग में मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए एक मकान बनाया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे बादलों पर लेने आ रहा है, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने वचन के अनुसार दीर्घायु से तृप्त किया है, हालेलुया। ओ मैं अपनी पूरी आयु को जीऊंगा, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, हालेलुया। कोई भी दुख मेरे डेरे के निकट ना आएगा, हालेलुया। प्रभु ने अपने लहू में मुझे छिपाया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इन वचनों को मुझे और आपको मेरे प्रियो बोलने की जरूरत है, क्लेम करने की जरूरत है, इन वचनों को हमें बात करने की जरूरत है। आमीन। उस सदा के आनंद के बारे में हमें सोचने की और उस सदा के आनंद के बारे में हमें बात करने की जरूरत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इस वचन के लिए। तो आज के डेली डिवोशन में जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो यही है कि हाउ कैन वी गेट दैट इटर्नल जॉय, कि हमें वो अनंत आनंद मिले, वो सदा का आनंद मिले, उस सदा के आनंद को पाने के लिए मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है, हालेलुया। हमने क्या सीखा है आज, आप जरूर कमेंट कर बताएं कि उस सदा के आनंद को पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। YouTube पर इसी वीडियो के नीचे आंसर जरूर दे कमेंट करके। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे, सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।